मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस की नींद हराम किए हुए हैं। वो लगातार अपनी विधानसभा को कांग्रेस मुक्त बनाने के अभियान पर निकल चुके हैं। एक और कांग्रेस नेता तूफान सिंह बारेला ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की नीतियों पर अपनी मुहर लगा दी है। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का फिर दिखा जलवा। एक बार फिर मंत्री सिसोदिया ने दिया कांग्रेस को झटका। कांग्रेस नेता तूफान सिंह बारेला ने ज्वाइन की बीजेपी। अपने करीब 200 समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। दरअसल गुना जिले के बमोरी इलाके के कांग्रेस नेता तूफान सिंह बारेला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उन्हें भाजपा सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर पंचायत मंत्री सिसोदिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। तूफान सिंह बमोरी इलाके के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। उनके पिता जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं। बुधवार को उन्होंने अपने लगभग 200 समर्थकों के साथ मंत्री निवास पर पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आज करीब 200 लोगों के साथ में हमारे आदिवासी नेता जो राजनीतिक परिवार से संबंधित हैं, उनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी भी जनपद अध्यक्ष रहे और ये भी जिला पंचायत के सदस्य हैं, कई वर्षों तक पंचायत के सरपंच रहे। आज 200 आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, आदरणीय श्रीमान महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इन्होंने विश्वास अर्जित किया है और हम भी इनको ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह आपका सम्मान और जैसे परिवार का सदस्य होता है उसी तरह। और मेरा छोटा भाई ये सदैव से था, बीच में थोड़ा भटक गया था, मगर अब बिल्कुल सही लाइन पे है और हम सब मिलकर बमोरी का विकास करें। इस दौरान सिरसी मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह बारेला और भाजपा नेता वीर बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।